वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल दोस्तों। और आज के सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज करने वाला हूँ वो सब पे ही मैं फोकस करना चाहता हूँ आज। और इसी प्रकार के कुछ आज की शेव है। शुरुआत करने वाला हूँ मैं प्रिस्टीन के सीट्रस शेविंग सोप से, वन ऑफ द वेरी अंडर रेटेड शेविंग सोप्स अकॉर्डिंग टू मी। आइए इससे शुरुआत करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो है दोस्तों ये ओमेगा का एस ब्रश। ओके, अब इसके भी ब्रिसल जो है काफी वेलवेटी है लेकिन ये थोड़ा डेंस नॉट है। इसी प्रकार से मैं बताऊं तो इसका एस ब्रश का ये बड़ा वाला मॉडल भी आता है। इसके भी जो ब्रिसल्स है वो काफी वेलवेटी है, काफी चेहरे पे सॉफ्ट रहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इसी प्रकार से बॉम्बे शेविंग कंपनी का छोटा ब्रश आता है जैसे कि ये वाला। ओके, पिंक वुल्फ का ऐसा ब्रश आता है, फाय का ऐसा आता है, और अभी हाल फिलहाल में पर्ल शेविंग ने भी एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे इसी प्रकार का ब्रश लॉन्च किया है। आप पर्ल शेविंग के साइट पे आके जरूर देख सकते हैं। आइए लादरिंग शुरू कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी चेहरे पे। नाउ एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया, सौरभ जी ने, कि भाई जॉय भाई आप इतना कम पानी क्यों अप्लाई करते हो चेहरे पे, क्या आप पानी बचाना चाहते हो? तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि हाँ भाई, आई बिलीव इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्कैर्सिटी अर्लियर। सो यस, वन ऑफ द रीजन इज दैट। सेकेंड रीजन इज, मैं आपको लादरिंग करते हुए बताता हूँ। सो लादरिंग करेंगे प्रिस्टीन सीट्रस शेविंग सोप से। ओके, ब्रश को मैंने कर लिया है थोड़ा सा गीला, मैंने ब्रिसल्स को डिप कर लिया है पानी में, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है बाहर। सोप कुछ इस प्रकार का है, सोप काफी हार्ड है और खुशबू सीट्रस ही है। ओके, तो चालू करते हैं सॉल्व करना। ओके, सो इतना लगभग जो है वो सोप सड्स जो कहना चाहें वो इस ब्रश पे कलेक्ट हो गया है। इसका कंटेनर जो है मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम का, डेफिनेटली किसी मेटल का ही है। बट एज फार एज आई कैन असेस फ्रॉम द व्यू, देखने से जो पता पड़ रहा है उसके हिसाब से मुझे एल्यूमिनियम का ही कंटेनर लग रहा है। बहुत ही प्यारी लाइम लेमनी खुशबू है, विच इज वेरी गुड सीट्रस खुशबू, इट जस्टिफाइज द नेम। बहुत ही अच्छा सीट्रस खुशबू है। एक्स्ट्रा जो सर्ट्स साबुन पे लगे थे वो मैंने चेहरे पे आधा प्री शेव लगा लिया है। सो इतना लादर कलेक्ट हुआ हमारा ब्रश पे, अब कर लेते हैं फेस लादरिंग। अब जो क्वेश्चन था सौरभ जी का कि भाई इतना कम पानी क्यों, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर बहुत ज्यादा पानी मैं अप्लाई कर लेता हूँ ब्रश पे या अपने चेहरे पे तो शेविंग क्रीम या जो शेविंग सोप है उसकी कंसिस्टेंसी जरूरत से ज्यादा थिन हो जाती है पहले ही, और फिर उसको फिर प्रॉपर जितनी डिजायर्ड कंसिस्टेंसी है उस पर लाने के लिए फिर या तो और सोप ऐड कीजिए या फिर और शेविंग क्रीम ऐड कीजिए, विच देन रिजल्ट्स इन वेस्टेज फॉर मी बिकॉज मैं जनरली दो पासेस करता हूँ तो मुझे बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा कोई शेविंग सोप या शेविंग क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपको ज्यादा पानी अप्लाई करना चाहिए तो आप जरूर करें। दूसरा रीजन ये भी दोस्तों कि मैं शेव के पहले जरूर ये करता हूँ कि मैं फेस वॉश करता हूँ, और चाहे एक मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश से करता हूँ या फिर एक ऑयल क्लियर फेस वॉश से करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर्स, लेकिन मैं फेस वॉश जरूर करता हूँ। तो उसके कारण चेहरे में थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होता ही है और इसके कारण भी मुझे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। आई जनरली डू नॉट यूज टैप, आई यूज अ मग विच हेल्प्स मी सेव द वॉटर। ओके, बहुत अच्छी लादर डेवलप हुई है एंड दिस इज नाइस एंड फ्लफी, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी जैसी मुझे चाहिए वैसी है। आज की बियर्ड ग्रोथ 2 दिन की है सो दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड नाउ लेट्स बिगिन द शेव। आज का रेजर जो है दोस्तों दैट इज हजामत स्काइथ, गोल्डन रोज गोल्ड कलर का है। इसमें लोड करूंगा मैं प्रो 500 ब्लेड विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय शार्प इंटरनेशनल। ओके, काफी टाइम से ब्लेड यूज नहीं किया
एंड काफी सारे ऐसे ब्लेड्स है जो जैसे V12 हो गया, एंकर हो गया, उसके बाद में जिपकॉन हो गया, विलीज हो गया. विलीज तो फिर भी ठीक है, काफी पॉपुलर हुआ था, बट जिपकॉन का जो इनिशियल था वो जो है दोस्तों कहीं आई थिंक इतने ज्यादा विजिबिलिटी उनको नहीं मिल पाई और इसके कारण उनका ट्रू पोटेंशियल कभी रियलाइज नहीं हो पाया. प्रो 500 जब मैंने लास्ट टाइम यूज किया था आई थिंक मेनी ईयर्स बैक, आई लाइक दिस ब्लेड. इट वॉज नॉट वेरी वेरी सुपर शार्प बट इट हैज द सफिशियंट शार्पनेस एंड स्मूथनेस. तो मैंने ये स्काइथ के टॉप कैप पे प्रो 500 ब्लेड लोड कर लिया है. इसमें मैं बेस प्लेट अप्लाई कर लूंगा और हैंडल को कर दूंगा फिट. जाने वाली बात यह है कि अलाइनमेंट मुझे दोनों तरफ से बराबर लग रही है. मेरे ख्याल से ये एक माइल्ड रेजर ही है. शेव करेंगे तो और ज्यादा असेसमेंट में आपको बता पाऊंगा. ओवरहैंग इसमें है तो ध्यान रखने वाली बात है. हजामत स्काइथ प्रो 500 पास नंबर 1. स्किन स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा ऑडियो फीडबैक आ रहा है, पता पड़ रहा है कि शेव हो रही है और जो हमारे बाल हैं वो क्लीन हो रहे हैं. छोटे छोटे स्ट्रोक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. विद द ग्रेन में हमेशा मुझे छोटे छोटे स्ट्रोक से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है. हर बार मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो जो भाई आप एक बात रिपीट करते हो, लेकिन हर बार मैं ये कहता हूँ कि भाई छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने से और रेजर को फ्रीक्वेंटली रिंस कर लेने से फ्रेश एज मिलता है, जिससे कि शेव की क्वालिटी रिलेटिवली और ज्यादा अच्छी होती है इन जनरल. वेरी नाइस, नो कंप्लेंट्स सो फार. बहुत अच्छी शेव हुई है. ओके, बहुत अच्छी स्मूथ रेजर लगी मुझे हजामत स्काइथ. और इसके दोनों तीनों मॉडल सेम ही है, सिर्फ कलर का फर्क है. एक क्रोम प्लेटिंग में है, एक ग्रेइश ब्लैक मैट ब्लैक प्लेटिंग में है जो मैंने यूज की है, और ये वाला रोज गोल्ड है. तीनों बहुत अच्छे हैं, एक जैसे ही है. ओके, चलिए लेट्स डू लेफ्ट साइड ऑफ द फेस स्किन स्ट्रेचिंग अगेन. वेरी नाइस ब्लेड जो है दोस्तों प्रो 500 कोई ये वाला ओके फेदर जैसा या जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम जैसा कोई सुपर शार्प नहीं लगा मुझे, लेकिन इसकी खास बात ये लगी मुझे कि इसमें एक कंफर्ट है, इसमें एक स्मूथनेस है और सफिशियंट शार्पनेस है जिससे कि बाल मेरे अच्छे से शेव हो रहे हैं और मुझे कोई ऐसा एक्स्ट्रा बाइट या एक्स्ट्रा कोई ब्लेड फील या एज नहीं महसूस हो रहा. और वो थोड़ा सा एट्रीब्यूट इस रेजर का भी है बिकॉज इसमें रिलेटिवली जो है वो ब्लेड एक्सपोजर थोड़ा अंदर की तरफ है, तो इतना ज्यादा एज जो है ब्लेड का फील नहीं हो रहा. सो कॉम्बिनेशन जो है वो रेजर और ब्लेड का एकदम स्मूथ स्मूथ दोनों हो गए हैं, विच आई पर्सनली लाइक दैट. नाइस वेरी कंफर्टेबल टू शेव इन द चिन एरिया. और मेरे हिसाब से ये मैं डेली शेव्स के लिए भी बिल्कुल आराम से यूज कर सकता हूं, वन पास विद द ग्रीन के लिए.
तो इतना जो है वो सेट से ही थोड़ा हमने स्प्रेड कर लिया है, जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ थिकनेस थोड़ी सी बनाए रखेगा जब तक हम लादरिंग कर लेते हैं फॉर पास नंबर 2। ऑलराइट, पास नंबर 2 के लिए लादरिंग। तो जितना लादर जो है वो ब्रश में था उतना ही हमने अप्लाई किया। अभी भी थोड़ा लादर ब्रश में बचा हुआ है, चाहूँ तो थर्ड पास कर सकता हूँ लेकिन आई डोंट थिंक मुझे जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पास के लिए कर लेते हैं अक्रॉस द ग्रोथ एंड अगेंस्ट द ग्रोथ। अब ये ब्लेड किन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है? ये ब्लेड उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी मेरे हिसाब से, ओके, और आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है, विच आई वुड रिस्पेक्ट, बट मेरे हिसाब से ये ब्लेड उन लोगों को ज्यादा पसंद आएगी हुज बियर्ड ग्रोथ इज नॉट वेरी हार्ड और डेंस। एंड आई थिंक ये शेवेट में भी शायद से बहुत अच्छा काम करेगी ब्लेड। वेरी गुड, चलिए कुछ स्ट्रोक्स कर लेते हैं अगेंस्ट द ग्रेन। हल्का सा, बहुत ही हल्का सा कट यहाँ पे लगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। मुझे जनरली यहाँ पे कभी सभी कट्स आते हैं हल्के फुल्के, अगर मैं बात करते करते शेव कर रहा हूँ अगर, तो ऐसा होता है। अब चेहरे को कर लेता हूँ रिंस और फिर बात करते हैं आफ्टर शेव सेक्शन में। और राइट, सो चेहरा मैंने वॉश कर लिया है, चेहरे पे पानी रखा है और मुझे करना है इस रेजर और ब्लेड कॉम्बिनेशन का पोस्ट शेव फीडबैक फील, और उसके लिए एलम से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यूज कर रहा हूँ एरोमा एलम, वैसे डॉक्टर प्लस भी आता है, जो मर्जी यूज कर सकते हैं। एंड फीडबैक की बात करूँ तो मुझे काफ़ी फीडबैक इधर मिल रहा है और नेक एरिया पे मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव एरिया है और नेक पे हमने अगेंस्ट द ग्रेन किया तो फीडबैक मिलना ही था, बाकी इधर इधर कोई खास फीडबैक नहीं है, हल्की सी टिंगलिंग है जो जनरली होती है। ओके, तो चेहरे को फिर से मैं वॉश कर लेता हूँ, 30 सेकेंड हो गए लगभग एलम को रखे हुए, और फिर बात करते हैं। ओके, सबसे पहले प्रिस्टीन सीट्रस शेविंग्स हो, नाइस स्लिक थिक वॉल्यूमिनस एंड स्टेबल लादर। आई वुड रियली गिव इट 4 out of 5 ऑन द काउंट ऑफ परफॉर्मेंस, और प्राइस वाइज अगर मैं बात करूँ तो रियली 5 out of 5 इस शेविंग सोप को मैं दूंगा। प्राइस रेंज के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से और जो इसका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से, दिस इज रियली रियली अ वेरी अंडररेटेड शेविंग सोप, और ये 100 grams का है। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस शेविंग सोप को यूज नहीं किया होता तो मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिस कर रहा होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप ले लो ये शेविंग सोप वगैरह, ऐसा बिल्कुल, मेरे वीडियोस आर नॉट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। आपका पैसा, आपकी मर्जी, आप जहां लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू। हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट्स लेना है तो मैं लिंक्स दे देता हूँ,
बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप उन लिंक्स से ही प्रोडक्ट्स लो, आपकी जहां मर्जी वहां से आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। गूगल पे टाइप करो प्रोडक्ट का नाम, आपको बहुत सारे परचेजिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें भी आपको लगता है कि नहीं यार अदर ऑप्शंस बेटर है, गो अहेड विद दोस। हजामत स्काइथ नाइस एंड माइल्ड हैवी ड्यूटी शेविंग रेजर, बहुत बढ़िया नर्लिंग है हैंडल पे, कोई स्लिप वगैरह नहीं हुआ। एंड ये 304 स्टेनलेस स्टील का हैंडल है, हेड जो है वो जिंक एलॉय का है, बट नाइस डेली शेविंग के लिए। आई थिंक मैं इसको आराम से यूज कर सकता हूँ। प्रो 500 परफॉर्म नाइस, स्मूदर ब्लेड आई वुड से, इसमें सफिशियंट शार्पनेस थी लेकिन कोई एक्सट्रीमली शार्प ब्लेड मुझे नहीं लगा। दिस वॉज गुड, शेव्ड वेल एंड मेड माई शेव वेरी वेरी कंफर्टेबल। किस कैटेगरी में इस ब्लेड को मैं रखूंगा? लेसर अल्ट्रा स्टेटम कैटेगरी में मैं इस ब्लेड को रखूंगा। एंड विथ शेवेट्स आई थिंक दिस मे परफॉर्म वेरी गुड, बट दैट इज सब्जेक्ट टू ट्रायल। हम ट्राई करेंगे तब इसका एक्सपीरियंस मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। ओमेगा एस ब्रश बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल वाला है ब्रश था। इसका एक बड़ा वाला मॉडल भी है मेरे पास में, जिसके ब्रिसल सेम है, हाइट में और डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, हैंडल थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा जब इसे लादरिंग करेंगे, लेकिन इस ब्रश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने इसको कॉस्मेटिक इंक से आई थिंक लिया था, काफी टाइम हो गया इसको लेके, सो आई डोंट रिमेम्बर, बट आई रिमेम्बर सीइंग इट ऑन कॉस्मेटिक इंक वाला वेबसाइट। ओवरऑल वेरी नाइस शेव, बहुत अच्छा लगा मुझे शेव करके, अगेंस्ट द ग्रेन भी किया, थोड़ा सा टिंगलिंग महसूस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल वेरी नाइस स्मूथ, मोर देन प्रेजेंटेबल शेव एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल शेव। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों, कीप अप द गुड शेव्स, तो बाय, नमस्कार।